हे कंज्यूमर्स, कैसे आप सब लोग। मैं हूँ प्रथम शिवाड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू कंज्यूमर्स वर्ल्ड। पिछले वीडियो में जो है मैंने पूछा था आपको एक सवाल, सवाल जो था आपकी सबसे ज़्यादा फेवरेट गेम कौन सी है। तो इस बार का क्वेश्चन है कि आपको सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन सा पसंद है, लैपटॉप, टीवी, मोबाइल या टैब। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अपडेट्स की तरफ। हमारी जो फर्स्ट अपडेट है वो आ रही है वन प्लस से। वन प्लस ने जो है अपॉइंट किया है नया ब्रांड एम्बेसडर, हमारे फेवरेट, सबसे सबके फेवरेट जसप्रीत जी बुमराह। बुमराह जी जो है बहुत ही स्टाइलिश है, अब हमें नज़र आएंगे बहुत से वन प्लस के ऐड में। हमारी जो अगली अपडेट है वो जियो की तरफ से आ रही है। जियो 5G के जो ट्रायल से स्टार्ट हो चुकी है मुंबई इंडिया में, वो जल्दी आ सकता है जियो 5G। अगर डेटा की जो है प्राइस लो कर दिया तो अच्छा हो सकता है। हमारी नेक्स्ट अपडेट वो ड्रोन डिलीवरी से आ रही है। ड्रोन डिलीवरी इंडिया में जो है जल्दी स्टार्ट होने वाले, उसके सारे अप्रूवल्स हो चुके हैं। स्विगी अब इसे काम भी कर रही है, देखते हैं कब तक हमें ड्रोन से डिलीवरी मिलती है। हमारी नेक्स्ट अपडेट वो एमआई की तरफ से आ रही है। एमआई जो है एमआई मिक्स 4 जल्दी लॉन्च करने वाला है। हमें ये फ़ोन देखने को मिलेगा अंडर डिस्प्ले कैमरे के साथ, देखना है इसकी प्राइस क्या होती है। अगली अपडेट जो है हम सबकी फेवरेट है, बैटरवेगा मोबाइल इंडिया का जो है अर्ली एक्सेस आ चुका है, पर अभी तक वो जो है गेम है प्ले स्टोर पर नहीं आई है, शायद जल्दी आ सकती है ये गेम। हमारी जो नेक्स्ट अपडेट है वो रियल मी की तरफ से आ रही है। रियल मी नारजो 30 5G जो है उसकी डेट जो है फिक्स हो चुकी है 24 जून, देखना है अब इसकी प्राइस क्या होती है। अगली अपडेट भी रियल मी की तरफ से है, रियल मी जो है जल्दी रियल मी बुक जो है लॉन्च करने वाला है। उसकी जो लुक्स हम देख सकते हैं वो मैक एयर जैसी है थोड़ी बहुत, देखना है ये कब तक लॉन्च होती है। हमारी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग ने जो है एक नया टैब लॉन्च किया है, सैमसंग टैब S7 FE। लोगों में जो है बहुत सी टैब की अब डिमांडें बढ़ गई है, तो हमें एक नया ऑप्शन मिल चुका है सैमसंग टैब S7 FE। हमारे आज के अपडेट्स, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नज़र सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहो, सेफ रहो, घर पर रहो।